मैंने बचपन में मेरे पास सिर्फ एक बाइक थी मुंह वाली। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है 1 अक्टूबर और आज एक बहुत ही स्पेशल इवेंट है। पर अभी सुबह सुबह मैं उठा हूँ और कल रात को इवेंट के लिए इतना वो हो रखा था कि बस मेरे पूरे दिमाग में जो है पूरी रात में सोया ही नहीं, बस इवेंट इवेंट घूमता है। तो खैर कोई बात नहीं, अब फिलहाल हमारी सुबह हो चुकी है और अब मैं जाऊंगा थोड़ा फ्रेश वगैरह होके और फिर नाश्ता वगैरह लाना है, क्योंकि आज संडे की में हम लोगों का एक शेड्यूल्ड छोले पूरी का वो रहता है कि आज हफ्ते में एक दिन छोले पूरी ही खानी है। तो चलते हैं। मुझे 2 साल हो गए YouTube में काम करते हुए और YouTube के मैंने 2-3 मीटअप भी ज्वाइन किया है, लेकिन आज मेरा जो है ना एक स्पेशल मीटअप है वो है सुजुकी के साथ में। एक मोटो ब्लॉगर्स वालों ने अपना मीटअप रखा है, मतलब मीटअप क्या, कुछ उनके कुछ का उनका इवेंट है। तो ये मेरा फर्स्ट इवेंट होगा जो मैं वहाँ पे अटेंड करूँगा। मेरे साथ में कुछ और फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ में मैं YouTube लास्ट मीटअप में मिला था। तो चलिए अब चल के देखते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलता है देखने के लिए। इवेंट पे जाने के लिए थोड़ा सा लुक चेंज कर रहा हूँ अपना, तो अब लेट्स सी देखते हैं। तो ये है मेरा नया लुक, तो आप बताइए कि ये लुक मेरा कैसा लग रहा है, जो प्रीवियसली मेरा लुक था वो कैसा था और अब जो आप मुझे देख रहे हैं नए लुक में ये कैसा है। एक्चुअली ये मैंने अपना लुक थोड़ा सा इसलिए चेंज कर लिया और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे एक ही गेटअप में रहते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना कि ये मैंने एक नया ग्रुप ज्वाइन किया है राइडिंग का, जो मोटो ब्लॉग का मैंने आपको पहले बताया था, तो उसके लिए मैंने आज उसी का ही इवेंट है, तो उस इवेंट को मैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने जा रहा हूँ। वहाँ पे बहुत सारे नए नए क्रिएटर्स हैं जो कि मोटो ब्लॉगिंग में अपना वो रखते हैं, चैनल रखते हैं और उसमें काफ़ी पुराने भी हैं नए भी हैं, तो इस वजह से मैंने अपना ये लुक चेंज करके और नए लोगों के साथ में नए लुक के साथ में मिलूंगा। तो आपको ये मेरा गेटअप कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मीटिंग पॉइंट पे आ चुका हूँ मैं, मेरे पीछे आपको साथ ही साथ का पेट्रोल पंप देखना होगा और अभी फिलहाल मैं यहाँ पे पहला ही हूँ, अब तक कोई तो नज़र आ नहीं रहा, तो वेट। भाई साहब पहली राइड में ही पोपट हो गया मैं अकेला ही आके खड़ा हो गया यहाँ पर और कोई भी नहीं आया। तो एनीवेज अब यहाँ से निकलता हूँ मैं ध्यानचंद स्टेडियम के लिए जो कि इंडिया गेट में है, और मुझे यहाँ पहुँचने में तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाएगा, तो चलो चलते हैं ध्यानचंद स्टेडियम। They've slipped out of my control and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already and it's working up my nerves. You should probably forget me cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So भैया स्टेडियम का एंट्री गेट कौन सा है? आगे वाला। दिखा दिया स्टेडियम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं सारे राइडर्स आए हुए हैं और काफ़ी सारे लोग भी और आ रखे हैं।
ये एक इवेंट होता है कि यार कोई ऐसे मोटर व्लॉगिंग वाला कोई इवेंट हो और उसके अंदर मैं आऊँ तो बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देखती हैं मस्त वाली। ये है सुजुकी का मीटअप पॉइंट और यहाँ से अब हम करेंगे एंट्री अंदर के लिए। ये हमें कार्ड मिला है और ये बैंड मिला है, ये बैंड हाथ में पहनना और फिर हम जाएंगे अंदर। और ये है लकी ड्रॉ कूपन, इसको फिल करके कूपन कोड में डालना। कोने पे पड़ा हुआ था, ये भी एक सुजुकी का ही मोटरसाइकिल है बच्चों वाला, इसमें भी मोटर शोटर लगी हुई है और साथ में यहाँ पे रखा हुआ है डिफेंसर। इंजन मीटअप है इसलिए ज़्यादातर हर जगह पे सिर्फ इंजन ही आपको मिलेंगे, चाहे आप स्टेडियम पे देखो, चाहे आप ऊपर स्टेज पे देखो या छोटे मोटे किसी कॉर्नर पे, आपको हर जगह इंजन ही नज़र आएंगे। गेटअप पे यहाँ पर जो है आपको ड्रम और यहाँ पे टायर्स सेटिंग है, इसके ये भी बैठने के लिए जगह बना रखी है, इसमें भी आप बैठ सकते हो। ये सारा टायर्स से बना हुआ है। देखा था क्या कंफर्ट यार, क्या इंजन परफॉर्मेंस। हमारे बचपन में मेरे पास सिर्फ एक बाइक थी मुंह वाली। मैं आपको ये लाइव दिखाने वाला हूं कि दिल्ली में सुजुकी मात्सुरी में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और कितना शोर मचा सकते हैं। तो मैं यहां से शुरू करता हूं, वन सेकेंड ओके, और इनसे मिलती है ताकत।
मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बहुत अजीब गांव से हूँ और मैं यहाँ पे पता नहीं कितने लोगों ने प्रैंक सुना है, लेकिन मैं एक चीज करता था, टाइटैनिक की स्टोरी बताता था फट्टो के स्टाइल में, वो आपको सुनाता हूँ ताकि आपका थोड़ा मूड फ्रेश हो। हाँ, अब हुआ क्या भाई, हम पढ़े लिखे थे नहीं, अंग्रेजी हमसे आती नहीं थी ना आज तक आती है, हमने देख ली टाइटैनिक, हमसे रेडियो मिर्ची ने कहा जाओ टाइटैनिक की स्टोरी सुनाओ लेकिन अपने अंदाज में, हमने सुनानी शुरू कर दी। काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखने को भी मिली, टू व्हीलर, और सबसे बढ़िया लगा कि यहाँ पे जो नावेद आया था आज से, बहुत ही अच्छा लगा। बाकी हम पूरे दिन यहाँ पे एंजॉय करते हुए थक गए और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर, तो अब अपना मैं ब्लॉग यहीं पे बंद करता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।